भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में प्रस्तावित लिमिटेड ओवर्स की सीरीज को लेकर बीसीसीआई ने सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने श्रीलंका दौरे को लेकर सीमित ओवर सीरीज का ऐलान किया था और साफ किया था कि तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारत अपनी बी टीम को श्रीलंका दौरे पर भेजेगा। दरअसल भारत और श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली इस लिमिटेड सीरीज के प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेड्यूल रिलीज किया है। इसके अनुसार श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जुलाई को जबकि दूसरा मैच 16 जुलाई और तीसरा मैच 18 जुलाई से खेला जाएगा। तो वहीं टी20 सीरीज का पहला मैच 21 जुलाई, दूसरा मैच 23 जुलाई और तीसरा मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। इस दौरान न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हेड कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ गए हैं, जिसके चलते श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ को टीम की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।